मैन, हम अपना मिस इंडिया के लिए लेस ऑयल में लाइट लाइट पराठा बनाया, कितना प्यार से, और तुम हमारा प्यार नहीं छोड़ते। चलो खाओ खाओ। क्या हुआ माय चाइल्ड, तुम अभी तक कल का इंसिडेंट के लिए अपसे? अरे इस सिटी में तुमको ऐसा 10 नमूना लोग मिलेगा जो तुम्हारा पैर नीचे की तरफ खींचेगा। अभी तुम्हारा तुमको उनको किक मार के आगे जाने का या नहीं? बिल्कुल हमारा तुलिका बाबा की माफी। राइट, और अगर किक नहीं कर सकती ना तो उसके लिए भी हमारे पास एक और तरीका है। हमारे पास है सुमो रेसलर रिकॉन्जोई सोइनोई। वेरी फनी, बट एक सीरियस बात हम तुमको बोलेगा, इस सिटी में कभी हिम्मत नहीं हारने का। मुझे पूछो कायकू, हम बता दें, बिकॉज तुमको भी पता नहीं चलेगा कब गॉड का फरिश्ता तुम्हारे डोर पे आके नॉक करता। ये लो, गॉड ने फरिश्ता भी भेज दिया तुझे। You sit down, eat, हम देखता। कौन है मिसेज ब्रिगेंजा? गॉड का फरिश्ता आया है? नो बाबा, शैतानों का भगवान आया है। अभी देखता रहेगा, बोलेगा कायको आया है। घर का नल चेक करने आया हूँ मिसेस ब्रिगेंजा, पानी आ रहा है कि नहीं, पेस्ट कंट्रोल सही से हुआ है कि नहीं, कोई दीवार या छत लीक तो नहीं कर रही। मिसेस ब्रिगेंजा, अब कोई प्लम्बर या पेस्ट कंट्रोल करने वाला तो मैं हूँ नहीं, तुलिका का फ्रेंड हूँ, उससे मिलने आया हूँ। तुलिका गौरी, रहीजा जी का फोन आया था, हमसे मिलना चाहते हैं। अगर तुम्हें आना है तो आ जाना, मैं तो बाहर वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। ठीक है भाई। स्टॉप, व्हाट पेज हूं? रहीजा, रहेजा जी ड्राइकुला है, ऐसे ड्राइकुला जो जवान और खूबसूरत लड़कियों का खून चूसते हैं। ओ रियली? इसका मतलब उसका आदत भी बिल्कुल तुम्हारा माफी की छूंगा। शट अप यूटो, क्या बोलो तुम? मिसेस ब्रिगेंजा, मिस्टर रहेजा वो है जिनके थ्रू हम दोनों को गाने गाने का चांस मिलने वाला है, और वो खुद आए हैं गौरी से पर्सनली माफी मांगने के लिए। हाँ। तो उन्हें बाहर क्यों खड़ा रखा है, उन्हें अंदर लेके आओ ना। But Mrs. Braganza, वो प्लम्बर नहीं है। प्लीज मिसेस ब्रिगेंजा, प्लीज हटो, जाओ लेके आओ जल्दी। सही लग रहा है, आइए आइए ना। रहेजा जी, हिचकिचाइए मत, जो भी कहना है बोल दीजिए। माफ करना गौरी जी, कल मेरी वाइफ ने आपको कुछ ज्यादा ही कह दिया, रियली सॉरी वाली बात है ना? बल्कि मैं तो कहता हूँ सॉरी वर्ड बहुत छोटा है इसके लिए। अरे उसने तो सॉरी वर्ड की इज्जत ही नहीं रखी, बस फैल गई वो। तो उसकी तरफ से मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन आप क्यों सॉरी कह रहे हैं? अरे उसकी ऐसी हरकत पर हर बार मैं ही माफी मांगता हूँ, तो माफ कर दीजिए। वैसे तुलिका जी, अरे आपने तो कल कमाल कर दिया। अरे क्या बोलती थी आप, भाई आप लोगों की फ्रेंडशिप देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बस किसी ने एक को कुछ कहा तो दूसरा बरस पड़ा। भाई ऐसी फ्रेंडशिप बहुत नसीब वालों को नसीब होती है। एक बात बताऊं, आप तीनों बहुत आगे तक जाएंगे। हाँ
हाँ हाँ रहेजा जी बहुत आगे जाएंगे, बल्कि इतना आगे जाएंगे कि जहाँ भी जाएंगे लोग इनसे ये कहेंगे कि आगे बढ़ो छुट्टा नहीं है आगे बढ़ो। काम की बात करते हैं। आप इतने हंसमुख और प्यारे हैं कि दुख तो आपके सामने पानी पानी हो जाएगा। जी रहेजा जी, बात दरअसल ये है कि कल आपके जाने के बाद मेरा एक दोस्त आया था, आपकी एल्बम के कवर पर आपकी फोटोज देखी, फिर मैंने दिखा दी। एक्चुअली वो जानना चाहता था कि नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि वो कौन है जो शिव और मेरी तस्वीर देखना चाहता है और क्यों? मेरा दोस्त है वो, एक्चुअली आपको मिलना चाहता था, आपकी मदद करना चाहता था जी। मदद? कैसी मदद? अब मैं क्या कुछ कहूँ, अच्छा होगा आप खुद उन्हें मिल लें। कार्ड भी देता हूँ, ये लीजिए, आप भी लीजिए। हरिहरा नंदन नाम ही इतना बड़ा है कि पढ़ते पढ़ते पूरा टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। कमाल भाई। जी रहे जी। मिस्टर हरि ऑफिस में? मिस्टर हरि कौन? इस ऑफिस के ओनर और कौन? और यहाँ के ओनर तो मिस्टर हरिहरन हरिहरा हरिहरा नंदन जी। हाँ हाँ, पर इतना लंबा नाम लेने का टाइम ही तो होना चाहिए ना मेरे पास। मैंने भी अमेरिका से हायर स्टडी करके इस कंपनी को ज्वाइन किया था, एक बार गलती से हरी बोल दिया, मुझे भी सजा दे दी। तो ऊपर उनका नाम लिखना है इस पर, और जब तक ठीक से प्रोनाउंस ना हो उनके उनके केबिन में भी नहीं जा सकता। बहुत टाइम हो गया होगा ना, कब से जॉब कर रहे हैं आप? आज ही ज्वाइन किए। अच्छा, आप वेट कीजिए, मैं पूछ कर आता हूं। मिस्टर हरि ऑफिस में? मिस्टर हरि कौन? इस ऑफिस के ओनर और कौन? और यहाँ के ओनर तो मिस्टर हरिहरन हरिहरा हरिहरा नंदन जी। हाँ हाँ, पर इतना लंबा नाम लेने का टाइम भी तो होना चाहिए ना मेरे पास। मैंने भी अमेरिका से हायर स्टडी करके इस कंपनी को ज्वाइन किया था, एक बार गलती से हरि बोल दिया, मुझे भी सजा दे दी। तो ऊपर उनका नाम लिखना है इस पर, और जब तक ठीक से प्रोनाउंस ना हो उनके उनके केबिन में भी नहीं जा सकता। बहुत टाइम हो गया होगा ना, कब से जॉब कर रहे हैं आप? आज ही ज्वाइन किए। अच्छा, आप वेट कीजिए, मैं पूछ कर आता हूं। यार एक काम करते हैं, उनके नाम की प्रोनंसिएशन है ना अच्छे से कर लेते, वरना अंदर जाके पता नहीं क्या करेंगे और फिर पता नहीं हमें क्या सजा दें वो। मेरे पास एक आइडिया है, उसके नाम को 5 बार धीरे धीरे बोलते। 5 बार? 100 बार तो वो ट्राई कर चुका है, अब तक नहीं सीखा, हम क्या सीखेंगे? प्रैक्टिस करते और फिर अंदर जाते। हाँ ठीक है। हीरा हरी 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 हरा नहीं हरी अंदर नहीं हरी हरी हरा हरी हरा वृंदावन कॉन्सेंट्रेट हरी नहीं है हरी है हरी हरा खीरा हरी हरा। आपको अंदर बुला रहे? अंदर बुला लिया, प्रैक्टिस तो की नहीं। एक काम करेंगे, अंदर जाने के बाद कोशिश करेंगे कि नाम ना लें, अवॉइड करें, शायद बच जाएंगे, है ना? चलो चलो चलो।
हैरी हरा हेलो हाय सर राम शिव ये तुलिका है और ये गौरी डोंट कॉल मी सर ऐसा लगता है जैसे मैं बूढ़ा हो गया कॉल मी हरिहरानंदनन हरिहरानंदनन हाँ हाँ सर सर नाम में क्या रखा है गीता में भी श्री कृष्ण ने यही लिखा है कि हे अर्जुन तू जिस पे वार चला रहा है तीर चला रहा है उसका नाम जान के क्या होगा उसके नाम में क्या रखा है तू तो बस तीर चला दे है तो वो मनुष्य ही सर वैसे एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने बताया था मैंने गीता पढ़ी नहीं है इट्स नॉट गीता इट इज श्रीमद् भागवत गीता यू मस्ट रीड इट पूरा नाम लेना सीखो मिस्टर शिव यस सर आई विल श्योरली डू दैट नो सर माय फुल नेम हरिहरानंदनन और जो मेरा नाम ठीक से नहीं लेते वो मेरे साथ काम नहीं कर सकते हीरानंदानी हीरानंदानी अपार्टमेंट्स वही में है उसके साथ आपका नाम बहुत मैच करता है मैच करता है हेलो मिस्टर हरिहरानंदनन हेलो मिस गौरी मिस्टर हरिहरानंदनन ये तुलिका और वो शिव मेरे फ्रेंड्स प्लीज आइए बैठिए मिस गौरी आपने तो कमाल कर दिया एक ही बार में मेरा नाम इस तरह से प्रोनाउंस कर दिया इससे मुझे लगता है कि मेरी चॉइस गलत नहीं था जी मैं कुछ समझी नहीं देखिए मेरी कंपनी एक बहुत बड़ा स्टेज शो करने वाली है जिसमें परफॉर्म करने के लिए हम आप जैसे सेलिब्रिटी कपल्स की तलाश कर रहे हैं सेलिब्रिटीज और हम वाव कितने डिफरेंट लग रहे हो तुम दोनों वैसे कुछ मन या हो स्टे टू द पॉइंट आप इनकी दोस्त हैं या इनकी मैनेजर जी ऐसे ही समझ लीजिए देखिए रिहर्सल से लेकर एक्चुअल परफॉर्मेंस तक हर एक दिन के लिए आपको पैसे मिलेंगे और अगर आप ग्रैंड परफॉर्मेंस के लिए सिलेक्ट किए गए तो ना सिर्फ आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट मिलेगा बल्कि बोरीवली से लेकर मरीन लाइंस तक हर बैनर पर 60x40 का फोटो होगा यू विल बी फेमस देखिए आपको घबराने की जरूरत नहीं Before going on the stage, हमारे कोरियोग्राफर्स आपको पूरी ट्रेनिंग दे देंगे
बस आपको थोड़ा सा बेसिक्स मालूम होना चाहिए। जी आई मीन आप लोग थोड़ा बहुत तो डांस जानते होंगे। डांस इट्स इन माय ब्लड। यू डोंट नो आई वाज चैंपियन ऑफ। अब हमें मंजूर है। वेरी गुड। अब मुझे यकीन है कि आप जरूर जीतेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। यहाँ हमारे पार्टिसिपेंट्स ट्रेनिंग लेते हैं। आइए मैं आपको रिहर्सल हॉल दिखा देता हूँ। बाकी की फॉर्मेलिटीज हम बाद में देख लेंगे। कम ऑन। धक्का दे दो। प्लीज यार तू इतनी लंबी लंबी मत छोड़ा करा। ऐसा नहीं होता कि वो मास्टर ऑफ ऑल। अगर अगर कोई अच्छी चीज सीखने को मिल रही होती है ना तो सीख लेनी चाहिए। तुझे तो पता जितना अच्छा मैं डांस करता हूँ ना उतना अच्छा और कोई नहीं कर सकता। चलो जल्दी। ये आपका प्रैक्टिस हॉल है और मिस्टर रामानाथ। नमस्कार। आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो इन्हें बता दीजिएगा, ये यहीं रहते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए यहां छोड़ जाता हूं। आई मीन ये पूरा हॉल आपका है। आइए। वाओ है ना गौरी, अच्छा है ना। आई एम सो एक्साइटेड गाइस। आई एम श्योर यू गोना रॉक दिस टाइम। शिव दिखा दो गौरी को कि तुम क्या कर सकते हो, जस्ट लाइक लास्ट टाइम। नहीं। शिव, अरे इसे क्या हुआ?